अब है नर्सरी क्लास हमारे पास पेज नंबर 50 पर है कैपिटल एम आएगा फर्स्ट थ्री लाइंस पर। यहाँ हम डॉट पर पेंसिल रखेंगे, एक स्टैंड लाइन लगाएंगे थ्री लाइंस पर। फिर यहाँ से हम डॉट पर पेंसिल रखेंगे, एक स्लाइड लाइन लगाएंगे जो उसी थ्री लाइन पर आएगी। फिर यहाँ से हम ऊपर एक और स्लाइड लाइन लेकर जाएंगे जो इस ब्लैक वाली लाइन के साथ टच होगी। उसके बाद इस ब्लैक लाइन से हम फिर एक लाइन लेकर आएंगे स्टैंड, जो कि नीचे थ्री जो थर्ड लाइन है उस पर टच होगी। यानी कैपिटल हम फर्स्ट थ्री लाइंस पर ही लिखेंगे। डॉट पर पेंसिल रखेंगे, एक स्टैंड लाइन लगाएंगे एंड अगेन हम उसी डॉट पर पेंसिल रखेंगे और एक स्लाइड लाइन लगाएंगे। फिर इस लाइन से हम ऊपर एक और थोड़ी सी स्लाइड लाइन लगाएंगे और फिर यहाँ से हम एक और नीचे लाइन लगाएंगे। एक बार और मैं आपको लिखना सिखाती हूँ, आप सब मेरे साथ साथ लिखें नर्सरी क्लास। यहाँ से नीचे हमने लाइन लगाई, एक फिर हमने स्लाइड लाइन, एक और स्लाइड लाइन और फिर यहाँ से नीचे एक स्टैंड लाइन। तो ये हमारा बन गया कैपिटल एम।